वक्त की शिकायत रहती है, इतनी कसरत से मिलाए। मैंने ये बहुत चाहा कि अब मुझे छुट्टी मिल जाए, अब मुझे इतनी ताकत नहीं कि मैं इन मरीजों को सब में हिस्सा ले सकूं, मगर मकतबे इश्क निराले देखे उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद। जब तक ये काम हो सकता है पर मैं कोशिश करूंगा कि आवाज पहुंचाना आप तक इसके जिम्मे है, ये मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल है। ये मेरे और आपके दरमियान में वसीला है, वसीला ठीक है तो काम ठीक है, वसीला गलत होगा तो काम गलत हो जाएगा। डर इसलिए लगा रहता है कि वसीला तो है मगर किराए का, धोखा दे जाए, बीच में छोड़ जाए, आवाज न पहुंचाए तो मेरी मेहनत भी बर्बाद हो। मेरी हदीस का रावी भी है, मेरे बयान का वसीला भी है, मेरे साथ शख्स पे बैठा भी है। अब ये जाने और आप जाने आप कैसे वास्ता पड़ना। अभी जब मैं यहाँ हाजिर हुआ खुदा के फजल करम से हमारे लाहौर का माए नाज नौजवान आलिम खतीब जनाब खालिद अलवी बेहतरीन तकरीर फरमा रहे थे, बड़ी पुरमर, बड़ी मुदल्लल, बड़ी जानी, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। अब उनकी गुफ्तगू का गनीमा है जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ, वक्त बड़ा थोड़ा है, जाना दूसरी जगह भी है, एक गनीमा है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अलग इस्लाम एक दस्तूर हयात है और हुसैन उस इस्लाम का बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई शक को शुबा ही नहीं। खालिद साहब के बताओ बताओ अगर तुम इस्लाम को अमली शक्ल में देखना चाहो तो तुम अभी गलत देखो, रसूल की खिदमत में हाजिर हो, जाओ बेशक रसूल के रौजे पर सुना हो ना मेरी बात, जाओ गए रसूल से बैठ कर हुसैन से लो लगाओ, कब्रे रसूल पर इधर उधर मत देखो, सिर्फ हुसैन से लो लगाओ। समझे वो अमली नमूना है, बिल्कुल अमली नमूना। आलम ऐसे नौजवान खतीबों को सलामत रखे जिनके मुंह पे हक बात आ जाती है, वरना क्या ताज्जुब था ये भी कह रहे थे हुसैन को नमूना बनाने की जरूरत थी कुरान का भी, वरना हुसैन हमारे लिए मुकम्मल नमूना है। हुआ यू भाई मैं अपने तर्ज की गुफ्तगू करूँ, मुझे फसला मुल्क की बात करनी नहीं आती, मैं आदमी भी नहीं हूँ, एक फन का मैं अल्लामा हूँ, उस चीज में मेरा मुकाबला कोई कर सकता ही नहीं। वो फन ये है जिसका मैं आदमी हूँ कि मुझे पूरा इल्म है इस बात का कि मैं जाहिल, मुझे अपने जाहिल होने का बड़ा ही पक्का इल्म है, बस इस बात में तो मेरा मुकाबला नहीं। मैं अपने तर्ज की बात करता हूँ कि आज से 1400 साल पहले दो बच्चे एक घर में पैदा हुए, एक खानदान में पैदा हुए, एक घराने में पैदा हुए, एक खानदान में, एक घर में, एक इलाके में, एक जगह दो बच्चे पैदा हुए आज से 1400 साल पहले। तवज्जो है ना साहिब, एक बच्चे का नाम इस्लाम, एक बच्चे का नाम होता है, दोनों एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ बाप ने परवरिश किया, एक ही जगह से दोनों को गजा मिली, एक ही जगह दोनों खेलते थे, एक ही जगह दोनों रहते थे, साथ सोना, साथ जागना, साथ चलना, साथ फिरना, साथ खेलना, समझे नहीं। पालते कौन था दोनों को, इस्लाम और हुसैन को, पालने वाले मोहम्मद, इस्लाम पढ़ रहा था सीने में, हुसैन पढ़ रहा था सीने पे, यही मोहम्मद थे। इन्हीं मोहम्मद की जुबान से अगर कलमियां निकलते, हुरूफ निकलते, अल्फाज निकलते तो इस्लाम की रजा बनता, उसी जबान से दूध निकलता तो हुसैन की रजा बनी, दोनों की रजा वही जुबान थी। आसमान से जिब्राइल वही लाते तो इस्लाम की रजा बनती और लिबास और मेवे लाते तो हुसैन की रजा बनती, एक ही जगह पड़ रहे थे सबके साथ, बाले जिब्राइल पे हुसैन का बिस्तर और यही जिब्राइल इस्लाम का पैगंबर, असमत सैयदा हुसैन की महाबिस और यही असमत इस्लाम के मुबल्लिग, दोनों बच्चे साथ पहले, साथ पढ़े, साथ रहे, साथ खेले, समझे में हुजूर। अफसोस ये तो मैंने अभी दो तीन जगह और जाना है, इसलिए मुझे बात को मुख्तसर करना पड़ता है। एक आपको खेल दिखाऊं इस्लाम का, हुसैन का किस तरह खेलते थे बचपन में साथ। एक दिन इस्लाम
कसूल की मस्जिद में था, हुसैन घर बैठे थे, सुन रहे ना भाई, इस्लाम मस्जिद में था, हुसैन घर में थे, यानी रसूल नमाज पढ़ रहे थे, ये इस्लाम है या नहीं? नमाज में गए सजदे में, अब सजदे में जो गए तो आ गए हुसैन, इस्लाम ने तो साथी को देखा, हम मचल गया, क्या खेले जो खेल शुरू हो गया, इस्लाम सजदे में हुसैन कमर पे, दोनों साथी खेलने लगे, दोनों बच्चों को जो खेलते देखा, पालने वाला खुश हो गया, बच्चों को कहीं दिल न टूटे, सजदा तवील होता रहा, इस्लाम हुसैन खेलते रहे और सजदा तवील होता रहा, तवील होता रहा, हुसैन कमर पे बैठे खेलते भी रहे, और मेरे मोहतरम भाई सजदे की तकबीरें गिनते भी रहे, सुभान रब्बी अलआला, सुभान रब्बी अलआला, जब 72 मरतबा पूरी हो गई उतर आए, ये खेल था जो हुआ, एक दिन ईद के दिन इस्लाम और हुसैन दोनों ईद ही मांगने चले गए रसूल के पास, इस्लाम ने कहा कबला मेरी ईद ही दो, चाह के चलो नमाज पढ़ो, हुसैन ने कहा मेरी ईद ही दो, चाह के बिठाओ मुझे कंधे पर, दोनों की नाज बरदारी, इस्लाम की भी हुसैन की भी रसूल ने की, एक के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, एक को कंधे में बिठा रखा है, हुसैन कहता नाना तुम आज मेरे नाना रसूल नहीं, आज मेरे मरकब हो, ये बचपन की बातें हैं, और मरकब हो तो मुझे बाग भी चाहिए, अब नाना उतारा जुल्फ से पकड़ा दी, लो बेटा बाग पकड़ लो, ये नहीं कहा जुल्फ से पकड़ लो, ये कहा बाग पकड़ लो, अब हुसैन की तस्वीर आंखों में लाओ, रसूल मरकब हो, जुल्फ हाथ में है, जो बाग है, और तमाम अहले इल्म जानते हैं कि बाग उसे कहते हैं जिसके जरिए से जिधर फेर दे फिर जाए, जिधर मोड़ दे मुड़ जाए, जहाँ रोक दे रुक जाए, जहाँ चला दे चल पड़े, तो गया आज खुदा की आखिरी रिसालत की बाग फैल के हाथ में, ये तो वाकया था जो मैंने तुम्हें सुनाया, अब मेरी कलंदराना बात की दिल उलमा तो ये बातें नहीं करते, ये कलंदर की बात है कि इतनी बड़ी रिसालत होती बाग सिभाई हो, ये तो बचपन का खेल है, ये था इस्लाम की तरफ, ये कदर कहूँ बात को, जब 6-7 साल का सिंह हुआ, रसूल की रहमत हुई, इस्लाम भी यकीन हो गया, हुसैन भी यकीन हो गया, हुसैन के सर से भी नाना का साया उठ गया, इस्लाम के सर से भी रसूल का साया उठ गया, अब यकीन इस्लाम जने कहाँ कहाँ होता हुआ, शाम पहुंच गया, शाम में था मलूकियत का दौर दौरा, शाम में तख्ते हुकूमत पे बैठे थे आला हजरत हिंदुस्तानी, जिन्हें तख्त मिला था बाप का माल समझ, बाप ने जिनकी नामजदगी की, उस जमाने के बड़े बड़े मुहद्दिसों ने, सहाबियों ने, बड़े बड़े उलमा ने, इस्लाम के दावेदारों जिनके हाथ से बैत करके उनका इंतखाब किया, जिनको अहले खानदान ने बनी मैया के शूरा ने इंतखाब किया, जिनमें वो सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, जिनमें से एक एक बात हुकूमत दिला देती, आला हजरत यूनिवर्सिटी हजरत यजीद शाम में तकबीर पर बैठे हुए आ गया वहां इस्लाम, इस्लाम ने आंखें देखी थी मोहम्मद अली मिलाज रोकने वाले को खबरदार कर, यजीद ने कहा इस्लाम को खत्म करो, ये हमारी शाही से हमें रोकता है, बजाहत को खत्म करने की हिम्मत हुई, मुहद्दिसों को बुला के, मुफ्तियों को बुला के, झूठे फतवों और झूठे हदीसों का जहर घोल के इस्लाम को फैलाना शुरू करे, ताकि रास्ता रास्ता खुद मर जाए, समझे ना हुजूर, कभी किसी कीमती ने इस्लाम को नहीं मारा, जब मारा किसी मुफ्ती ने मारा, तीन लोग इस्लाम की इज्जत करते हैं, ये मुफ्तियों की मुसीबत है जो मारते हैं इस्लाम, समझे, अभी मैं लायक से आ रहा था पढ़ने के लिए, तो मुफ्ती मिल गया इसके बाप से, समझे, मुफ्ती इस माना नहीं, मैंने टिकट देके बैठे थे भाई, मुझे कहने लगे तुम समझदार आदमी होके तुमने ये काला कुर्ता क्यों पहना है, मैं कहता ना आज के गम का जमाना है, मैंने गम के इजहार के लिए कुर्ता पहन लिया है, लाहौल वाला कुर्ता, गम का कुर्ते से क्या वास्ता, गम का ताल्लुक दिल से है, तुम्हारा तो मेरा कुर्ता ही काला है, हमारा दिल दिल, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं चुप हो गया, सुभान अल्लाह, ये काले कुर्ता पहनना तो गुनाह है, काले कपड़े पहनने वाला तो जहन्नम में जाएगा, बोला कैसे, कि फरमाया है काली कमली वाले, ये मुफ्ती की बातें जरूर, तो मेरे मुहतरम सामने मुफ्तियों के फतवे, मुहद्दिसों के हदीसे, दोनों का बला के मजीमा जहर दे दिया इस्लाम को, कि अफसर हफ्ता खुद मर जाए, अब इस्लाम के अंदर जो जहर पहुंचा, उसकी शक्ल बिगड़ गई, उसकी सूरत बिगड़ गई, उसकी सेहत जाती रही, उसका नक्शा कुछ और हो गया,
वो इस्लाम ही ना रहा जो मोहम्मद के जमाने में, वो शक नहीं रही उसकी जब से पहले, जब दिल खुल मरने लगा, जब कतल मौत करीब आ गई, इस्लाम ने आवाज दी कोई है जो मुझे लड़ने से बचा ले, मुझे हुकूमत ने मार दिया, मुझे रीब ने कत्ल कर दिया, कोई है जो मुझे बचा दे, उसकी कोई है कि आवाज फिजा में गूंजी, किसी को जागरण पड़ी थी जो किसी को बचाए, वो बचपन का साथ खेलने वाला उसके सामने आवाज पहुंची, कोई है जो मुझे बचा ले, उठाव के पकार पुकारा, ओह पहचान लिया, बहन तुमने पहचाना है किसकी आवाज है, ये तो इस्लाम बुला, इस्लाम कह रहा है मुझे बचा दो, है क्या इरादा है, चलो बहन चल के इस्लाम को बचाए, इस्लाम बीमारी क्या है कि मुझे जहर दे दिया, हालत क्या है कि मैं मर रहा हूँ, मैंने तुझे खून दे के बचाऊंगा, मैं हमें खून दे के बताता हूँ, ये देखने में बड़ी देर लगेगी कि कौन सा खून चाहिए, कितनी किस्म के खून मुमकिन मैं सब लेके आ रहा हूँ, ये 150 बरस वाले का खून है, ये 100 बरस वाले का खून है, ये 80 बरस वाले का खून है, ये 60 बरस वाले का खून है, ये 32 बरस वाले का खून है, ये 18 बरस वाले का, ये 13 बरस वाले का खून है, ये 9-10 बरस वाले का खून है, और आखिरी इलाज के लिए 6 महीने मैं स्कूल के मरहम की तरह इलाज करूंगा इसका, बहन का हुसैन मैं क्या करूंगी साथ जाके, बहन मेरे साथ चल मरहम मैं लगाऊंगा, पत्नी तेरी चादर की बनेगी, चल बहन भाई मिलकर इस्लाम का इलाज करें, तभी वे आजम का तभी वे आजम के तहत मरते हुए इस्लाम के इलाज के लिए अपनी दवाएं लेकर करबला के बन में आकर बैठ गया, 7 दिन तक अपनी दवाओं का मुआयना करता रहा, 7 दिन से इतना मशहूर हुआ दवाओं के बनाने में कि न खाने की फुर्सत न पीने का होश, 10वीं का इलाज शुरू किया, खुद बाहर खड़ा हो गया, बहन घर में बैठी, हुसैन आवाज देते जैनब पुरान दवा, जैनब दवा बना के भेज देती, दवा इस्लाम पी लेता, खाली शीशी हुसैन उठा लाती, भाई जब 71 शीशी पिला दी, इस्लाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बिल्कुल तवाना हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, अब उसमें कोई बीमारी नहीं, दौड़ के इस्लाम में कमल पकड़ लिए, हुसैन तूने मुझे अच्छा किया, तूने मुझे तंदुरुस्त कर दिया, इस्लाम इस्लाम बिल्कुल हो गया, क्या इरादा है कि मैं अपनी दवाओं की कीमत से इस्लाम के मालिक के पास जा रहा हूँ, जब हुसैन जाओ खुदा हाफिज़, बिस्मिल्लाह तशरीफ ले जाओ, मगर हुसैन इतने बड़े हाकिम के सामने जा रहा हूँ, इतने बड़े इलाज करके जा रहा हूँ, कुछ तोहफा चाहिए जो ले लो, मैंने कुछ लेके हाथ क्या जाऊँ, हुसैन मेरे पास की बात कि मेरे पास अगर तोहफे में काम आ जाए तो मेरे पास छोड़ दीजिए, जमीन की कमी है, इसे हुसैन तोहफे जाओ, बस आओ दो मिनट की बात अगर हो तो तुम्हें मामला तुम्हें सलामत रखे, और हुसैन खुश हो गए, रबाब ना तेरे बच्चे को तोहफे दे देंगे, हुसैन ले जाओ इसे, मगर अगर इजाजत हो एक मिनट को मैं इसे लेना चाहती हूँ, लो बच्चे को लिया और उसकी सगी बहन सकीना को लिया, दोनों को लेके अपने होने में ली, सकीना को भी सजाया, लिबास पहना, कानों में मोती पहनाया, अली असगर का कुर्ता बदला, नया कुर्ता पहनाया, एक रुमाल से कमर बांधी, कुर्ते के सीने को ही होता सुरमा लगाया, बाल ठीक किए, रुमाल से मुंह पोंछा, असगर को लेके गोली हुई, सकीना को पकड़े हुए उन्हीं अपने खेमे से बाहर आई, हुसैन कुर्सी से बैठे बैठ गए, बहन को भी बुलाओ, बहादुर बहन तुम भाई के साथ बैठ जाओ, बहन भाई बैठ गए, रबाब सामने खड़ी हो गई, फातिमा के बेटे, फातिमा की बेटी, मैं गैर खानदान की तुम्हारे घर आई, मैं सैलानी नहीं हूँ, मैं उन्नति, मैं गैर घरानी की तुम्हारे घर आई, तुमने मेरी इज्जत बढ़ाई, मेरी शान बढ़ाई, तुम्हारे घर मुझे दो तोहफे मिले, एक सकीना एक असगर, मैंने तुम्हारे तोहफे को पाला, मैं थोड़ी देर के बाद सेवा हो जाऊंगी, तुम्हारे दोस्तों की हिफाजत नहीं कर सकूंगी, दोनों को सजा के ले आई हूँ, असगर को हुसैन की गोद में ले लिया, सकीना को जैनब की गोद, जैनब तू जानी हो सकीना जानी, जब हुसैन तू जानी और असगर जानी,
बताया ना सबसे पड़े के मैदान में आ गए और किस्सा ये अक्सर कुत्ता बोला है इसने साहब दवाओं से तो ठीक हो गया और फिर ये आब हयात पिलाता हूँ ताकि कयामत तक कोई तुझे मार नहीं सके आब हयात किसी की पैर के हाथों को जीत किसी का काट कहर मरा के चीर में खोला आब हयात के कपड़े चबकने लगे उस तबीब ने चेहरे पे बंदी है उसने इस्लाम को बुला दिए इस्लाम को हयात के जावे बस्ती हमें जाके जिंदा हो गया अब हाय हुसैन के मानी है इस्लाम जिंदाबाद अब हुसैन के मानी है इस्लाम जिंदाबाद यहाँ हुसैन का दरबार है ये इस्लाम का दरबार है यहाँ हुसैन का नाम है ये इस्लाम का नाम है ये दोनों एक शहर के नाम हो गए इस्लाम हुसैन का नाम है हुसैन इस्लाम का नाम है और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम है तो हुसैन के नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है अल्लाह के रहमत से बरकत नाज़िल करे यहाँ हुसैन के उजड़े हुए घर का जिक्र होता अल्लाह की औलाद को सलामत रखे यहाँ हुसैन की औलाद का मातम है अल्लाह तुम सबको सलामत व आबाद रखे अपना वक्त निकाल के बेकार नहीं है मुझे पता है अपना वक्त निकाल के रोने के लिए आते हो और हाजिया देनी है इसकी आखिर आप याद करना।